लव जिहाद, एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही ना केवल लड़कियों के दिलों को बल्कि उनके माता पिता को भी अंदर तक झकझोर कर रख देता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। लव जिहाद बेहद ही संगीन मामला है, आज से कुछ साल पहले कभी कभी सुनने को मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लव जिहाद को दी गई मंजूरी के बाद आए दिन हमें इसके मामले सुनने को मिलते हैं। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जबकि लव जिहाद का ये कोई पहला या आखिरी मामला नहीं था। इसके बाद भी ना जाने कई श्रद्धा प्यार के नाम पर कुर्बान हुई हैं और हो रही हैं। देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां लव जिहाद के मामले नहीं आ रहे हों। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और अब बिहार भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। बता दें, श्रद्धा अफताब नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन बाद में अफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके 35 टुकड़े करके उन्हें दिल्ली के एक जंगल में फेंक दिया था। लेकिन रिश्तों में इस तरह की बर्बरता आखिर क्यों बढ़ती रही है और इसके पीछे क्या सच में लव जिहाद का मामला है? देश में चल रहे इतने गंभीर मुद्दे पर भी हमारे देश के कुछ नेताओं को लव जिहाद पर चर्चा नहीं करनी है और इस बात को मानने से भी इनकार करना है कि देश की बेचारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लव जिहाद पर नरोत्तम मिश्रा और देश के दिग्गज नेता ओवैसी के बीच किस बात को लेकर बहस हो रही है, सुनिए। ओवैसी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है। अरे कोई शादी किससे करेगा, आप बिल्कुल बीच में डंडी मार रहे, मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां दें। ओवैसी जी बताओ जरा, कोसाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव? अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं बोला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका, बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा, आप बिल्कुल बीच में डंडी मार रहे, कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई आप लव जिहाद कहां है, लव में जिहाद क्या होता प्यारे, लव में लव ही होता है। मोतिहारी में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां घर में किराए पर रहने वाले एक युवक ने सास बहू दोनों का ब्रेन वॉश कर पहले तो उन्हें प्रेम जाल में फंसाया, फिर यौन शोषण कर उनकी अश्लील वीडियो बनाई और उन्हें ब्लैकमेल कर उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की। वहीं बिहार के फुलवारी शरीफ से भी लव जिहाद का द केरला स्टोरी से मिलता जुलता मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक इरफान ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उससे सगाई भी की और फिर शादी करने से मुकर गया। ऐसे ही दिल्ली में हुआ बेरहम साक्षी मर्डर केस जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। 20 साल के आरोपी साहिल ने बेरहमी से अपनी नाबालिग दोस्त साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। उसने पहले साक्षी पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किया और फिर उसे कई बार पत्थर से भी कुचला। पुलिस ने साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सिर्फ साक्षी ही नहीं, देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं
जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। इसी तरह की मानसिकता कम उम्र के युवाओं में क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। न्यूज़ टाइम मीडिया के लिए सोनाली सिंह की रिपोर्ट।